बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेंटिलेशन। तो एक क्विक रिव्यू और साथ में एक कोरेक्शन। देखिए, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था, इसकी वैल्यू मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, यहाँ पे गलत मेंशन है, ये 1500 ml है, ठीक है। अच्छा, वेंटिलेशन से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, वो है डेड स्पेस। डेड स्पेस क्या होता है? देखिए, ये अगर स्कीमेटिक है आपके पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम का, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, उसको हम दो फंक्शनल जोन में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कंडक्टिंग जोन कहेंगे, ठीक है, जिसका काम एयर को कंडक्ट करना है, ठीक है, और दूसरे को रिस्पायरेटरी जोन कहेंगे, जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, जहाँ पे कैपिलरीज है, एयर कैपिलरी एल्वियुलर एयर फेस है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस हो रही है, उसको रिस्पिरेटरी जोन कहते हैं, और जिस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जिनका काम कंडक्ट करना है एयर को, उनको कंडक्टिंग जोन कहते हैं। तो डेड स्पेस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो जोन होता है, वो एरिया होता है, जहाँ पे एयर तो जा रही हो लेकिन वो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, तो उसको डेड स्पेस कहते हैं। तो कंडक्टिंग जोन है ये, तो डेड स्पेस में आएगी, एनाटॉमिकल डेड स्पेस इसको हम कहेंगे, ठीक है, कंडक्टिंग जोन, क्योंकि यहाँ पे इसका काम कंडक्ट करना है। इधर एक्सचेंज अब गैस नहीं हो रही है, सिर्फ गैस बाहर से आ रही है, बट ब्लड के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहा है गैस इसका, तो इसको हम कहेंगे एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है। इज द एनाटॉमिकल डेड स्पेस इज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग एयरवेज और इज नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली 150 ml इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्लियर हो गया आपको। अच्छा, दूसरा देखिए, रिस्पिरेटरी जोन जो है उसमें एल्वियोलाई है, मेनली आपके एल्वियोलाई में है। नॉर्मल जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से वेंटिलेशन नॉर्मल हो रही हो, ठीक है, और यहाँ से कैपिलरीज में प्रोफ्यूजन नॉर्मली हो रही हो। प्रोफ्यूजन को क्यों से अगर रिप्रेजेंट करें, देखिए, प्रोफ्यूजन यानी यहाँ से ब्लड आ रहा हो, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही हो, तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और ये मेम्ब्रेन नॉर्मल हो, तो यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके यहाँ चला जाएगा फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस हो रही होगी। लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ एयर तो आए एल्वियोलाई में, बट यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैस ना हो, तो ये एल्वियोलर डेड स्पेस कहलाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर कोई मैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक हो जाए, ठीक है, किसी भी वजह से प्रोफ्यूजन ना हो इस कैपिलरी में, तो इस एल्वियोलाई में जो वेंटिलेशन आ रही है, ये डेड स्पेस में काउंट होगी, ठीक है, और इसको एल्वियोलर डेड स्पेस कहेंगे, क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ गैस इसमें इन्वॉल्व होगी नहीं, क्योंकि यहाँ ब्लड आ ही नहीं रहा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी कहाँ, ठीक है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्लियर हो गया। अच्छा, और ये एल्वियुलर डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं, ये फंक्शनल मेयरमेंट है आपके एनाटॉमिकल डेड स्पेस और एल्वियुलर डेड स्पेस का। नॉर्मल लंग के अंदर एल्वियुलर डेड स्पेस जीरो होता है, तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस नॉर्मल लंग के अंदर क्या होगा, एनाटॉमिकल डेड स्पेस के इक्वल होगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकल डेड एल्वियुलर डेड स्पेस चूँकि जीरो है, ठीक है। लेकिन डिजीज कंडीशंस में एल्वियुलर डेड स्पेस बढ़ सकता है, ठीक है, लंग डिजीज में एल्वियुलर डेड स्पेस बढ़ सकता है, तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी बढ़ेगा। अच्छा, अब देखिए, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन कहते हैं मतलब अंदर एयर जो जा रही है, वेंटिलेशन है ना, तो वो दो वेंटिलेशन हो सकती है, एक मिनट वेंटिलेशन यानी टोटल वेंटिलेशन, एक मिनट के अंदर हम कितनी एयर इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, ये हम इसको मिनट वेंटिलेशन कहते हैं। इसको फाइंड करने का क्या तरीका होगा, एक ब्रेथ में हम कितनी एयर इनहेल करते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, नॉर्मल जो इनहेल करते हैं टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और नॉर्मली एक मिनट के अंदर एक ह्यूमन 15 ब्रेथ्स लेता है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय टाइडल वॉल्यूम विच इज़ 500 ml आपको देगा जी 7500 ml पर मिनट, ठीक है। अच्छा, ये हो गई मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन में जो कंडक्टिंग जोन है, जो डेड स्पेस है, जो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं है, उसको भी हम मेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एल्वियुलर वेंटिलेशन है। एल्वियुलर वेंटिलेशन में हम टाइडल वॉल्यूम से डेड स्पेस को माइनस करते हैं, ठीक है, तो और उसको मेयर करते हैं, यानी टाइडल वॉल्यूम से डेड स्पेस को माइनस करो तो वो एयर आएगी आपके पास जो एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। लेट्स से नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml था, कंडक्टिंग जोन का या डेड स्पेस जो था वो अगर नॉर्मल लंग है तो वो 150 था, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो जो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो रहा है वो वॉल्यूम 350 ml है, ठीक है। तो एल्वियुलर वेंटिलेशन में हम इस 350 ml को मल्टीप्लाई करेंगे पर मिनट, हम कितने ब्रेथ्स ले रहे हैं उससे, ठीक है, तो लेट्स से 15 पर मिनट है,
तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लेट से 5200 ml आ जाएगी, यानी 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर हम टोटल जो वेंटिलेशन करते हैं, यानी मिनट वेंटिलेशन जो है लेट से 7.5 लीटर है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 लीटर रिस्पायरेटरी जोन्स में जाती है और एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है, वो एल्वियोलर वेंटिलेशन कहलाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड रिस्पायरेटरी रेट इंक्लूड्स डेड स्पेस वेंटिलेशन, ठीक है। मिनट वेंटिलेशन में डेड स्पेस वेंटिलेशन भी शामिल है, बट इन एल्वियुलर वेंटिलेशन डेड स्पेस शामिल नहीं है। एल्वियुलर वेंटिलेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेटरी रेट एंड डिफरेंस ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड डेड स्पेस, यानी डेड स्पेस को हम इसमें से निकाल रहे हैं, तो एल्वियुलर वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर किसी कंडीशन की वजह से, पैथोलॉजी की वजह से, किसी डिजीज की वजह से डेड स्पेस इंक्रीज हो रहा हो तो क्या होगा? डेड स्पेस इंक्रीज हो रहा हो तो एल्वियुलर वेंटिलेशन डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। एल्वियुलर वेंटिलेशन डिक्रीज हो रहा होगा, इसका क्या मतलब है? यानी कम से कम एयर जो हम इनहेल इनहेल कर रहे हैं उसका कम से कम पोर्शन जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कम अगर एयर इन्वॉल्व है, यानी प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैस इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगा, तो क्या होगा? हाइपरकैपनिया। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना हाइपरकैपनिया कहलाता है, और वो एसिडोसिस काज करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, ठीक है। और ऑक्सीजन नॉर्मल अंदर ब्लड में नहीं जाएगी, ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, तो हाइपोक्सिया डिवेल्प हो सकता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजनेशन टिश्यूज़ की नहीं होगी। अच्छा, तो ये इसलिए एल्वियुलर वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट है। होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो नेक्स्ट सेक्शन में हम ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में डिफरेंस देखेंगे, और साथ में ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का ज़रा सा समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।